ख्वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मंजूर ख़ान और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब देवेंद्र कुमार साहब, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर कश्मीर एंड लेह। नाज़रीन, अगर आप पासपोर्ट से मतलब कोई सवाल पूछना चाहती हूँ या आपसे आपको पासपोर्ट से मतलब कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो, तो आपके लिए हमारी दो फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिसके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको क्रॉल करते हुए दिखाई देंगे। कुमार साहब, खुश आमदीद आपका प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद सर। ये तो सभी जानते हैं कि पासपोर्ट कितना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जी, आम लोगों को ये पता है, बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन हम आपकी नज़र से, एक एक्सपर्ट की नज़र से जानना चाहते हैं कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे पासपोर्ट को। देखिए, जो आपने बोला, निस्संदेह पासपोर्ट एक वेरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसको अगर हमें अपना आइडेंटिटी कहीं पे प्रोड्यूस करना है तो पासपोर्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। जी, और एक पासपोर्ट बनने से बच्चों के लिए बहुत सारा, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। वो अब्रॉड जा सकते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए। एक नॉर्मल आदमी है, वो उसके लिए पूरा वर्ल्ड खुल जाता है, वो अपना बिजनेस एक्सटेंड कर सकता है। टूरिस्ट के लिए को पूरा कहते हैं कि विश्व भ्रमण कर सकता है, पूरा संसार को घूम विंडो टू सकता द आउटसाइड वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये नेचुरली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और मैं कहता हूँ कि सभी को ये डॉक्यूमेंट्स, ये पासपोर्ट बना के रखना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला किस तरीके से किसको क्या अपॉर्चुनिटी दे दे, बिल्कुल सही। तो एंड टाइम पे फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कई जगह पे, टाइम भी लगता है पासपोर्ट इशू करने सही में। बात है। तो मेरे हिसाब से इसको मैंने कई सारे पासपोर्ट ड्राइव वैसे भी किए हैं यहाँ पे, कि लोगों को इंस्पायर किया है कि आप पासपोर्ट बनवाइए हमारे यहाँ पे आके। लेकिन अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिलता मतलब है जब इसका। अपॉर्चुनिटी किसी को मिलेगी तब उसको रेडीली अवेलेबल है ना, ही कैन अवेल। जी 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 सर, ये जो आपकी पासपोर्ट सेवा है, जो आप पहले एप्लीकेशन लेते थे हार्ड कॉपी पे, जी अभी ऑनलाइन है सारा। जी जी अगर सारा ऑनलाइन है तो सर आपके ऑफिस के बाहर इतनी लंबी लाइन क्यों होती है? लाइन तो देखिए जहाँ पे, हालांकि मैं मानता हूँ उतनी लंबी तो होती नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन जी आज भी लोग होते हैं वहाँ पे। देखिए ऐसा होता है कि ये स्लॉट वाइज हम एप्लीकेंट्स को टाइम देते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, क्या होता है, 15-15 मिनट का स्लॉट होता है। अब जिसका, अब कुछ बहुत से लोग दूर दराज से भी आते हैं यहाँ जी पे। अब जिसका 11 बजे का है, उसको पुलवामा से या कहीं और दूर जगह से आना है या कुपवाड़ा से आना है, वो अकेले नहीं आता, अपने हाँ साथ दो बंदों को दो लाता बंदों है। को भी लाता है, जी, तो उसका कोशिश ये होता है कि मुझे 11 बजे का टाइम दिया है तो मैं 9:30 बजे तक पहुंच जाऊं। वो भी वहां पे खड़ा होता है, जी तो अब रश है, इसी तरीके से वो रश दिखता है वहां पे, क्योंकि हमारा आप तो ऑफिस, एप्लीकेंट को अलाउ करते होंगे, हम एप्लीकेंट को अलाउ करते अब जो हैं, उसके साथ वाले हैं वो तो बाहर ही वो रहेंगे। बाहर रहेंगे, अच्छा, उनकी लाइन लगती तो होगी, उनका उनको, जमा। वो जब बाहर से कोई भी निकलता है तो सबको ये लगता है तो कितना रश है यहाँ पर। रश जी तो रहेगा ही, लेकिन हमने थोड़ा सा अपना अलग से एफर्ट किया है इसमें, जिसको मैं अभी बताऊंगा अभी जी आपको, जी जी कि आज आप देखेंगे आज की डेट में तो जो स्लॉट हमारा, हम जैसे 9:30 का स्लॉट है जी या 11:30 का स्लॉट है, तो इसको स्टाफ को इतना ट्रेंड किया है, इतना वो भी स्टाफ भी हमारा मतलब पूरा सपोर्ट करता है। एक स्लॉट हम एडवांस में चलाते हैं, मतलब एडवांस का मतलब है कि 15 मिनट का स्लॉट है जी तो हम आधे घंटे के स्लॉट को 15 मिनट में निपटा रहे हैं आज जी की जी डेट जी में। जी तो आपको आज ऑफिस में भी और बाहर भी आज की डेट में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा इन कंपेरिजन टू द ओल्ड एज। जी देवेंद्र सर, मुझे ये जानना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट है, जी अपने पास है उनके, इसको रखना कैसे है घर में? क्योंकि कई बार इसको, अगर मैंने सुना है कि अगर इसको तो बैंड हुआ, कुछ हुआ, तो ये वैलिड नहीं रहता, देखिए वो डैमेज या कैटेगरी में, ब्यूटिलेटेड पोजिशन में कभी रहा। जी, इसमें कुछ
जैसे देखिए हमारे जैसे एकेडमिक वो होते हैं हमारे मार्कशीट वगैरह सर्टिफिकेट्स होते जी हैं बिल्कुल बिल्कुल उनको हम संभाल के रखते संभाल के हैं, रखते हैं। है ना। तो पासपोर्ट भी एक इसी तरीके का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसको भी इस तरीके से संभाल के रखना है। देखिए एकेडमिक रिकॉर्ड जैसे मार्कशीट वगैरह हैं, हमारे डिग्रीज हैं, इनको हम वो कर लेमिनेट करा के रखते हैं। इसी तरीके पासपोर्ट का भी जो फ्रंट पेज और लास्ट पेज होता है वो लेमिनेटेड होता है, जी जी तो उसको भी हमें उस तरीके से रखना है सेफ, जैसे हम सेफ कस्टडी में रखते हैं। जी तो इसको क्या है कि उस जो डैमेज होता है उसमें उसको जैसे कई बार फोटोकॉपी कराना है तो ऐसे खोल के अगर उसको कराएंगे थोड़ा सा प्रेस किया तो उसके बाइंडिंग खुल जाती है थोड़ा सा, करेक्ट तो वो आ जाता है डैमेज कैटेगरी में। इसके अलावा कोई भी उसमें जैसे खाना खा रहे हैं किसी का सब्जी का दाग कोई लग गया जी या कोई इंक डल गई उस पर, वो उसको भी डैमेज कैटेगरी में माना जाता है। कई बार इस मामले में हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट प्रॉब्लम करते हैं, मतलब शिकायत भी करते हैं कि मेरा कहाँ से डैमेज है, लेकिन हम उनको मतलब अच्छे तरीके से समझाते हैं क्योंकि यहाँ तो वो कर लेगा हमसे बहस, लेकिन उसी पासपोर्ट को लेके अगर वो कहीं एयरपोर्ट पे या एम्बेसी में या कहीं वीज़ा लगाने फॉरन में चला तो जाएगा, उसको वहां से हाँ वापस कर वहाँ देंगे। से वापस किया जाता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सेफ तरीके से रखना ही होता है हमें, जी 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 ताकि उस पर कोई दाग ना पड़े, वो कहीं से उसका बाइंडिंग ना खुले या कोई पेज मतलब इस तरीके से गंदा ना हो। सर, अभी पिछले दिनों से हमारे कश्मीर से या जम्मू से या लद्दाख से हमारे हाजी हज पर रवाना हुए, जी शायद अभी भी एक आध दिन में जी जी ये जी सिलसिला खत्म हो रहा है। तो इस साल के हज के लिए तो पासपोर्ट तो चाहिए चाहिए ही चाहिए। जी जी कितने पासपोर्ट्स आपने इशू किए होंगे? देखिए इस बार क्या था, श्रीनगर के लिए 10,000 एप्लीकेंट्स को शायद अलाउ था यहाँ के जो अप्लाई जा सकते थे, जी लेकिन इस बार पता नहीं मुझे मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एप्लीकेशन ही 7,000-7,500 सही बात है, आए सही उसमें। बात है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लास्ट टाइम जब मैंने पासपोर्ट के लिए स्पेशल ड्राइव किया था तो मैंने जिस जिस का हम हमारे पास पुलिस क्लियरेंस क्लियर आया था जी उसको मैंने 1 साल के लिए नहीं दिया, मैंने 10 साल के लिए पासपोर्ट इशू किया किया था उसमें, और मोर देन मतलब 1,200 के करीब हमने एक या 2 दिन में ही हमने पासपोर्ट इशू किए थे एप्लीकेंट्स को। तो उस टाइम पे जिसने भी मतलब चाहे वो हज के लिए किया, ऐसे स्पेशली तो होता नहीं है कि हज के लिए ही किया है, जिसने भी अप्लाई किया है जिसका क्लियर आया मैंने उसको 10 साल के ले दिया। लेकिन मैंने जो सुना यहाँ पे जो हमारे प्रेडिसेसर होते थे उनका ये होता था हज के जितने भी लोग होते थे उनको 1 ही साल का वो देते थे, इस वजह से हर साल भीड़ लगती थी उसमें, अच्छा तो ये भी एक कारण हो सकता है। जी अच्छा, तो आप कई बार आते, शायद पिछले साल भी जी आपने लद्दाख में कैंप किया था, जी लद्दाख में इस साल आपने किया कैंप वहाँ लद्दाख में नहीं कारगिल में किया था कारगिल में? जी जी, 3 दिन का मैंने वो किया था वहाँ पे, और 3 दिन में करीब 650 एप्लीकेंट्स उन्होंने हमारे पास विजिट किया था वहाँ पे। तो इसका एक अच्छा एक रिजल्ट ये आया कि उन्हें लगा कि पासपोर्ट ऑफिस एक कारगिल में भी होना चाहिए, जी तो मिनिस्ट्री की हेल्प से सपोर्ट से तो उसका सेंक्शन हमने लिया है। अच्छा, उसका भी इनाग्रेशन भी होना था लेकिन अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से शायद वो नहीं हो नहीं सका हो पाया जी। है, लेकिन हम जल्दी ही वहाँ पे खोलेंगे। तो कारगिल वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी अब जी सुना रहे ये हैं जी 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 कि जी वहाँ पासपोर्ट ऑफिस जी होगा। जी 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 लेकिन वो आफी का एक ब्रांच ऑफिस होगा या उनके लिए अलग नहीं से हमारा पास? ही हमारे तीन जैसे अभी 3 POPS के हैं, POPS केस हैं, मतलब जितने भी, एक तो मेन ऑफिस हमारा ये श्रीनगर में है, जी 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 बाकी 3 ऑफिस हमारे अनंतनाग में है और एक बारामूला है, एक लेह है। तो उसमें पोस्ट ऑफिस उसमें सपोर्ट करता है, पोस्ट ऑफिस के का स्पेस होता है उसी में, एक बंदा पोस्ट ऑफिस का होता है और एक हमारा बंदा होता है, तो उससे इसी तरीके से कारगिल में भी हम POPS के खोलने जा रहे हैं जी जी। सर, उम्रा के लिए जो पासपोर्ट आप देते हैं, मैंने सुना है कि आप हफ्ते भर में दे देते हैं, इज इट अ फैक्ट? ऐसा नहीं, ऐसा भी होता भी है और नहीं भी होता है। अगर देखिए अप्लाई तो सेम, अप्लाई करने का प्रोसीजर तो सेम ही है उसमें, नहीं, ऐसा कहते हैं, नहीं, मैंने सुना है कि उसकी वैलिडिटी कम होती है। ऐसा 1 साल का मैं देता हूँ अच्छा और
उसमें वो डिपेंड करता है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन उसका आ गई हफ्ते 10 दिन में तो आती नहीं है वैसे तो, नॉर्मली उसमें 20-25 दिन फिर भी लग जाते हैं। जी अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई पेशेंट है, या देखते हैं उसका कंडीशन क्या है, अगर उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं दे देता हूँ 1 साल के लिए, और जैसे अभी तो हज का पीरियड तो निकल गया है जी तो उमराह के लिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे सीनियर सिटीजन होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि हस्बैंड का हो गया है और मतलब उसकी वाइफ का नहीं हुआ है, तो उनको भी हम थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, तो ताकि यह है कि भाई जोड़े से जाना है तो जोड़े से जाएं, वो सही अपना बात। कपल पूरा जाए वहाँ पे। जी सर ये पुलिस वेरिफिकेशन में मुझे याद आया कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की किसी इस तरह की डायरेक्शन है कि पासपोर्ट इशू हो सकता है, इसके लिए ऑप्शन मैंने सुना है कि दिया है कि पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन। पोस्ट पे भी हम दे देते हैं कई बार, लेकिन नॉर्मली नहीं देते हैं। पोस्ट पे भी वही कंडीशन है, जैसे किसी आदमी को फॉरेन में कहीं पे कोई सर्विस ज्वाइन करना है, वहाँ पे उसका वीज़ा वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, वीज़ा लग गया, एक लास्ट डेट उसको दे दिया, इतने तारीख तक नहीं आपको वो हो गया ज्वाइन, तत्काल सर्विस। ये तत्काल जब कश्मीर में नहीं है, अच्छा नहीं है। तत्काल कश्मीर में नहीं है, और इसी वजह से हम उसको कंसीडर करते हैं ऐसे चीज़ में। या वही कोई यहाँ पे सी ए पेशेंट बहुत हैं, किसी को कहीं फॉरेन में अपना ट्रीटमेंट कराना है, हायर स्टडी के लिए जाना है, या किसी, हाँ हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को का सिलेक्शन होता है अदर कंट्रीज़ में, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स जी होते जी हैं जी 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 उनको मैं थोड़ा सा देता हूँ, मुझे लगता है कि इनको आगे सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने दिया, बहुत सारे ने कश्मीर का बहुत अच्छा नाम किया है, बहुत जी बच्चे मेरे पास वापस आए हैं कि मैंने गोल्ड लिया है, मैंने सिल्वर लिया है, ऐसे करके। तो कुछ खास कंडीशंस में करते हैं उसके लिए। इन्हीं बच्चों में एक हमारी लड़की है यहाँ, वो पेरिस ओलंपिक्स में जी फाइनल जज मुकर्रर हुई है इसके लिए, अच्छा कायाकिंग और कैनोइंग के लिए, जी 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 तो अभी रिसेंटली उसका वो हो गया, मतलब वो भी हमारे लायक एक्चुअली। जो होगा हम पूरा हेल्प करेंगे उनकी। जी जी सर एक प्रपोजल ये अखबारों में आया था और टेलीविजन के चैनल्स में भी ये कई चैनल से आया कि ये जो ECR है पासपोर्ट्स, उस कैटेगरी के लिए जो पासपोर्ट्स का जैकेट होता है नॉर्मली ब्लू रंग का, उसको ऑरेंज करने का प्लान था, क्या ये है? नहीं अभी ऐसा नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो एक PSP2 वर्जन क्योंकि ये शायद इंट्रोड्यूस, पहले प्लान नहीं में रहा होगा क्योंकि केरला हाई कोर्ट में इस पर एक प्ली भी हो गई थी, इट विल बी नहीं डिस्क्रिमिनेटरी। हमारे अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है फिलहाल, जी और अभी चल रहा है इसका अपग्रेड वर्जन आने वाला है, वो एक दो जगह पायलट बेसिस पे शुरू हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ है और एक जगह और हुआ है, तो इसमें पासपोर्ट को थोड़ा हम ई पासपोर्ट हम इशू करेंगे उसमें, तो चिप बहुत बेस्ड होगा, चिप बेस्ड होगा शायद। माइक्रोचिप, जी, तो इट विल वो बी सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड टाइप, या जैसे ATM जी कार्ड है, जी 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 ATM कार्ड टाइप होगा। जी जी तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन उसका होगा, तो वो भी जल्दी ही शुरुआत होने वाली है यहाँ पे। अच्छा, जी तो आपके यहाँ भी उस तरह की फैसिलिटी जी होगी, जी जी अच्छी बात है। ये आजकल जो आप पासपोर्ट्स नॉर्मली इशू करते हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं, कितने पासपोर्ट्स पर डे आप इशू करते होंगे? पर डे जो इशू नॉर्मली जो होते हैं करीब देखिए 450-500 के करीब तो नॉर्मली होते ही हैं, अच्छा हम प्रिंटिंग से लगाते हैं कितने पासपोर्ट प्रिंट हो रहे हैं, करीब 600-650 के करीब हो जाते हैं डेली उसमें प्रिंट। पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग आपकी खुद ही होती है यहाँ जी जी प्रिंटिंग ही होती है यहाँ पे। सर? वो पुराने वक्तों में बड़ी डुप्लीकेसी की बातें हुआ करती थी कि डुप्लीकेट पासपोर्ट, नकली पासपोर्ट बनने, कुछ रैकेट्स पकड़े भी गए बाहर, जी अब वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, वो खत्म अभी हो वो गया सर? पासपोर्टी पॉसिबिलिटी नहीं है मतलब मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले एक्चुअली पासपोर्ट हाथ से हाथ लिखे से जाते लिखा हो, जाता पर्टिकुलर था। सब लिखते थे हाथ जी से, जी अब वो सारा सिस्टम चेंज हो गया है, पूरा सॉफ्टवेयर है हमारा उसी से प्रिंट होता है, उसी से नंबर डलता है, पासपोर्ट बुकलेट भी उनका भी सीरियल होता है हमारे पास रिकॉर्ड में,
तो मुझे नहीं लगता कि इसकी मतलब डुप्लीकेसी हो सकती है। नंबर्स आज भी आपके परफोरेटेड होते हैं, जी 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 परफोरेशन से कोई फ़ायदा है परफोरेटेड नंबर्स या कोई सेफ्टी फीचर है ये? नंबर्स देखिए उसे एक बार कोड भी होता है। बार कोड होता है? जी बार कोड भी होता है, नंबर उसी से भी आप स्कैन भी कर सकते हैं, उसका डिटेल भी सारा उसी में आ जाता है फिर। अच्छा, तो वो ओवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जी स्वाइप करते होंगे जी जी सभी जगह पे तो जी सारा डिटेल उसी से जी निकलता है। जी 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 सर, एप्लीकेंट्स का जो पहले प्रैक्टिस हुआ करता था अपने पेरेंट्स का नाम देना इसमें एप्लीकेशन में बोथ पेरेंट्स का, अभी ये एक ही पेरेंट का नाम सिलसिला शुरू हो गया या अभी भी बोथ पेरेंट्स का नाम देना जरूरी? नॉर्मली तो हम बोथ सभी का दोनों का ही लेते हैं पेरेंट्स का नाम। हाँ सिंगल पेरेंट सिंगल का पेरेंट प्रोविजन तो है, बहुत कम केसेस आते जी, हैं बहुत कम इसमें। केसेस होंगे जी जी तो इस तरह का। हाँ तो जनरली आपको दोनों का चाहिए? जनरली तो दोनों का ही चाहिए जी। सर ये जो एनग्रेविंग्स आपके पासपोर्ट पे होती हैं ऊपर कवर पे जैकेट पे, ये कुछ चेंज हुई है मतलब कुछ नहीं यार, पासपोर्ट के उसमें लुक में कोई चेंज हो गया है? नहीं कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ जी। जो आपका स्टैंडर्ड पासपोर्ट है उसमें पेजेस कितने होते हैं सर? और एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स पासपोर्ट भी होता है जी जंबो पासपोर्ट कहते हैं, जम्बो में उसके लिए अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा 500 रुपये फीस एक्स्ट्रा उसको भरनी पड़ती है। उसको जी, नॉर्मली जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है मतलब जब जी एप्लीकेशन देगा तो उसमें एक ऑप्शन है उसका जी जी हाँ उसका उसको कौन सा चाहिए, जी जी या जी पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा उसे कि मैं वाकई में फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ क्या नहीं? नहीं वो तो एप्लीकेंट को पता होता है ना कि वो उसको कितना ट्रेवल करना है बाहर, जी वो अपने हिसाब से क्योंकि उसी हिसाब से फीस भी की करी गई है उसमें। तो नॉर्मल हम जो हमें नॉर्मल पासपोर्ट मिलता है उसमें 1500 रुपये फीस होती है, जी तो जिसको जम्बो वो चाहिए उसके लिए वो 2000 रुपये फीस जमा करता है। तो एप्लीकेंट को पता होता है कि मुझे किस उसमें वो करना है। देवेंद्र साहब, नॉर्मली आपके पास तो लोग मिलने आते होंगे, जी कोई शिकायतें वगैरह भी होती होंगी जी लोगों को, जी किस तरह जी की शिकायतें जनरली लोगों को होती हैं? देखिए नॉर्मली तो मैंने बहुत सारी शिकायतों को बिल्कुल रिड्यूस किया है एकदम, और मैंने मैं सारा जो भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं मैं डायरेक्ट मिलता हूँ उनसे, 1:30 बजे तक का मैंने ओपन किया है अपना ऑफिस। जी इसके बाद भी कोई आता है तो मैं उसकी ग्रीवांस सुनता हूँ। मेरे हिसाब से पिछले 1.5 साल से जब से मैंने ज्वाइन किया है कोई एप्लीकेंट मेरे यहाँ से ऐसे होके नहीं गया कि उसका काम ना हुआ हो। जैसे कोई पुराने भी आते हैं कि मैं 6 साल 2 साल हो गए मुझे आते आते, मैंने कहा मेरे पास आए हो आज आए हो, 2 साल में मेरे पास आज आए हो तो आपकी प्रॉब्लम आज सॉल्व हम करेंगे। तो पूरा स्टाफ को भी उसी तरीके से ट्रेंड भी किया है। आपका बैकलॉग कुछ है अभी? बैकलॉग को मैंने 0 किया है ये इसी, हाँ यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ये हमारा एक अचीवमेंट है। मैंने पूरा बैकलॉग ख़त्म किया है यहाँ पे। जिस टाइम मैंने यहाँ पे अपॉइंट हुआ था यहाँ पे ज्वाइन किया, उस टाइम अपॉइंटमेंट साइकिल जो था 3 महीने का था, 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलता था आज आप अप्लाई करेंगे तो, जी आज नेक्स्ट डे मिलता है। तो ये हमारे श्रीनगर पासपोर्ट ऑफिस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसी वजह से ही आपको रश भी कम मिलेगा आज वहाँ पे। रश तो मैंने कहा काम होगा ज़रूर, पहले से तो काम है, जी लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास किसी को मिलने आना हो, हाँ आप बिल्कुल उसका अपॉइंटमेंट नहीं है नॉर्मली जो जी उसका आपने टाइम स्लॉट दिया है, तो अलाउ करते हैं आप? बिल्कुल अलाउ करते हैं। कोई भी एप्लीकेंट कोई भी जिसका कोई इंक्वायरी भी, इंक्वायरी तो खुलता है मेरा 1:30 बजे तक, मैंने इंक्वायरी खोल के रखा है। किसी भी एप्लीकेंट को कुछ ही पूछना हो सिक्योरिटी को कहेगा कि मुझे इंक्वायरी के जाना है उसको अलाउ करते हैं। इंक्वायरी पे अगर वो कहेगा मुझे RPO साहब से मिलना है तो वो मेरे पास वो उसका एक पर्ची बना के मेरे पास भेजते, मैं अलाउ करता हूँ उसको। सर ये जो पासपोर्ट इसका तैयार होगा जी इसको आप पर्सनली क्यों नहीं देते, इसको हमेशा आप कहते हैं बाय पोस्ट ही जाएगा? इसमें भी एक छोटा सा एक वो है, देखिए कई बार सब कुछ हो गया पासपोर्ट भी प्रिंट हो गया, इसके बाद भी क्या है कि एड्रेस को एक कंफर्म करने का उसका एक डाक से भेजने का एक तरीका है, ठीक है ना।
जो एड्रेस आपने दिया है वो एड्रेस को कंफर्म करता है जब वो पोस्ट से जाता है। ये प्रोविज़न है कि हम उसको काउंटर डिलीवरी कर सकते हैं, बट वो ये हम मैं उस केस में करता हूँ जहाँ किसी आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी का वीज़ा लगा हुआ है, किसी को जल्दी जाना है, किसी को फॉरेन निकलना है, किसी का कोई सर्विस का मामला है, जैसे किसी या का। पर्सनली आप किसी से सेटिस्फाइड हैं कि ये है हाँ वाकई बिल्कुल उस केस जी में जी जी तो काउंटर डिलीवरी काउंटर डिलीवरी उसी केस में मैं करता जी। हूँ नॉर्मली जी। नॉर्मली ये पासपोर्ट कितने दिनों में बनता है आपके पास? तो डिपेंड करता है यहाँ पे जो पुलिस क्लियरेंस का, जो सीआईडी से यहाँ पे, क्योंकि डबल लेयर लगाया है पुलिस अथॉरिटीज के साथ ही, हमें सीआईडी से फाइनली सीआईडी से रिपोर्ट आती है हमें। उसमें थोड़ा सा अगर हम नॉर्मली देखते हो 20-25 दिन में ये सारा प्रोसेस हो जाता है, अच्छा क्योंकि जो एप्लीकेंट आया हमारे पास अगर उसका जो जो फिंगरप्रिंट्स या उसके डॉक्यूमेंट स्कैन होने में मुश्किल से 10 मिनट लगता है, इसके बाद जैसे ही उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है तुरंत वो पुलिस अथॉरिटीज़ को उसका इनको उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट उसके। उसके बाद पुलिस अथॉरिटी, मुझे लगता है यहाँ पे पुलिस अथॉरिटी का विद इन 4-5 डेज भी हो जाता है, उसके बाद सीआईडी चला जाता है वहाँ से। तो नॉर्मल केसेस में मुझे लगता है 20-22 दिन में आ जाता है सबका अच्छा जी, कोई परस्यू करे तो और जल्दी आ जाता है। मतलब कोई टाइम टाइम फ्रेम तो नहीं है टाइम आपकी फ्रेम तरफ ऐसा से कि नहीं हमारी इसको तरफ कि से विद इन हाउ मच टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम दे नहीं सकते, ये डिपेंड करता है हमारे नहीं देने की बात नहीं है, जी। नॉर्मली आपने एक बताया होगा कि महीने भर में आ जाना चाहिए, क्योंकि यू कैन ना पर्सन कैन नॉट वेट इनडेफिनेटली। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम डिपेंड करता है पासपोर्ट इशू करने का, हमारे पास पुलिस क्लियरेंस क्लियर आनी चाहिए उसकी, जी जब तक वो नहीं आती है तब तक हम नहीं करते हैं। तो आपने जैसे पूछा पोस्ट में भी प्रोविज़न है, अगर किसी को कुछ इमरजेंसी है, कोई पेशेंट है, कोई स्टूडेंट है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, इन ऐसे केसेस में हम पोस्ट में दे देते पोस्ट हैं पुलिस दे जी देते हैं, जी अदरवाइज कोई जनरल ऑप्शन नहीं है। नहीं जनरली मैं नहीं देता हूँ अच्छा जी। सर, ये जानना चाहूँगा कि पासपोर्ट्स आपके पास कई किस्म के होते हैं, विच वन इज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट? देखिए एक होता है पास ब्लू आपके पास, एक होता है वाइट आपके पास, हाँ, और एक रेड भी होता रेड भी होता है। है ना, तो रेड तो यहाँ से नहीं होता है हमारे पास से, एक वाइट वाला होता है, ऑफिशियल पासपोर्ट होता वो है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट डिप्लोमा जी, जी ऑफिशियल पासपोर्ट जी होता है, जी जी डिप्लोमेटिक अलग होता है। उसमें ये क्या है, अभी जैसे हज के लिए बहुत सारे लोग डेप्यूट हुए हैं वहाँ पे, तो यहाँ से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्सिस हैं, कुछ नॉर्मल काम के लिए वहाँ पे जनरल सर जाते एक हैं कॉलर जुड़े हमारे साथ। जी 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 हेलो हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, अपना तारुफ दीजिए सर। मैं बशीर अहमद हूँ राणा वाली से। अच्छा, फरमाइए। मेरा अर्ज ये है कि मेरा पासपोर्ट जो है वो 2025 में एक्सपायरी होता है, अच्छा ये अब उसको रिन्यू करना है, क्या रिन्यू हमें ऐसे ही होता है कि पहले की तरह जैसे कि हमने पहले अप्लाई आज से 9 साल पहले किया था, लेकिन उसमें वो आज तक कोई ट्रैवल नहीं हुई है। तो उस मुझे नहीं लगता कि ट्रैवल अगर नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई उससे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अप्लाई कीजिए आप। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि अप्लाई करूं, अप्लाई तो मुझे करना है, जी मुझे तो निकालना, लेकिन प्रोसेस वही है कि जी प्रोसेस वही है, जैसे हम नई नया एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं नए पासपोर्ट के लिए, इसी तरीके से आपको दोबारा इशू करना है, लेकिन उसमें वो हमें अंडर री इशू कैटेगरी में अप्लाई करना है उसमें, और जो पुराना आपका पासपोर्ट है इसका मतलब है कि आप री इशू करोगे, लेकिन जी 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 री वो इशू प्रोसेस जो है, सीआईडी में जाओ, रैनाबारी में जाओ, नवादा जी सीआईडी में जाओ, वहां से ही वो प्रोसेस तो नहीं, है उसमें आपको कहीं नहीं नहीं जाना है, आपको खाली अपना जैसे आपने फ्रेश के लिए अप्लाई किया था ऐसे ही आपको री इशू के लिए अप्लाई करना है, और री इशू के लिए डॉक्यूमेंट सारे चलो आपको सबमिट कराने हैं उसमें, हाँ और डॉक्यूमेंट्स आपको सारे सबमिट कराने हैं जो पुराने टाइम पे वो आपने जो तो जरूरी है। जी जी चलो थैंक यू। जी थैंक यू जी।
सर वो पासपोर्ट्स की बात कर रहे थे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के होते हैं, जी कुछ जी सपोर्ट्स पर्सन्स के अलग होते हैं। नहीं, अलग नहीं होते हैं उनके, तो नॉर्मली वो होते हैं ऑफिशियल जो हमारे या हज के सिलसिले में जो गए हैं डॉक्टर्स नहीं, वगैरह। नॉर्मली उनका ऑफिशियल पासपोर्ट शुरू इशू होता है हज अच्छा के, हज के मामले में जो जाते हैं वो, क्योंकि ऑफिशियल ही जाते हैं वो, हाँ हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट ही होते जी हैं, जी जी तो जी उनका हम ऑफिशियल पासपोर्ट इशू करते हैं। अब पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब बर्थ सर्टिफिकेट कौन सी एक्सेप्ट करते हैं, 10th की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या वो जो म्यूनसिपैलिटी इशू करती है? देखिए दो चीज़ें, बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जो नॉर्मली हर रोज़ मेरे पास एक दो एप्लीकेंट इस तरीके से आते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होता है, ठीक है, मतलब ठीक होता है उसे जी बर्थ जी सर्टिफिकेट, जी लेकिन जब बच्चा 10th में पहुँचता है तो उसमें डिविएशन होती है। तो उसमें वेरिएशन होती है उसमें वो क्या करते हैं, 1 साल मतलब बढ़ा के बच्चे को एडमिट, स्कूलों में कुछ ऐसा है ना कि 5 साल का बच्चा होना चाहिए, 4 साल का होना चाहिए, जी तो बच्चे को थोड़ा सा 1 साल बढ़ा के सही वो बात है। एडमिट करा देते हैं, और फिर 10th में उसका, जब 10th में होता है, जब 10th क्लास में आने वाला होता है, तब तो उस टाइम चेंज कराते हैं उसको, हाँ नहीं ये तो नहीं था मेरा तो ये है, 10th में तो ये है। अब हम 10th में उन उसे कहते हैं ना कि साहब आपको अभी 1 साल रुकना पड़ेगा रुकना क्योंकि आप पड़ेगा उसके बाद वो वहाँ जी वहाँ जी बढ़ाते हैं। तो जब ऐसा एप्लीकेंट मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनाया है इसको रिवाइज करा के लाइए, ताकि वो देखिए एक ही सॉफ्टवेयर में दो दो बर्थ डेट तो हो नहीं नहीं हो सकती एक सकते आदमी जी की, जी जी तो कई लोग ऐसे कराते हैं, कई लोगों का को समझाना भी पड़ता है काफ़ी देर तक, वो कहते हैं नहीं हमारा तो ये था, हम तो हमें क्या पता उस टाइम पे, कई बच्चे बड़े हो जाते हैं उस टाइम आते हैं उसको रिन्यू कराने के लिए, कहते मैं तो पैदा भी नहीं हूँ, मैं पैदा हुआ था मुझे क्या पता मेरे होता फादर ने क्या क्या कर जी दिया, जी मुझे नहीं पता मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो आपके पास नहीं है, मेरे पास होता है सॉफ्टवेयर, मैंने कहा आपके पास नहीं है, मेरे पास है आपका बर्थ सर्टिफिकेट सर एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। जी। हेलो, हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। जी, मेरा नाम साहिल है, मैं राजबाग से बोल रहा हूँ। जी 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 मेरा एक सवाल है सर से कि जो पासपोर्ट है इसमें हम स्पाउस नेम कैसे चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं इन इन केसेस ऑफ सेपरेशन और डाइवोर्स। सबसे पहले ये बताइए आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? नहीं अच्छा, तो अगर आपको सरनेम चेंज करना है तो नेम चेंज की फॉर्मेलिटीज होती है उसमें, जैसे सरनेम नहीं, स्पाउस नेम, स्पाउस नेम, स्पाउस स्पाउस नेम, नेम। स्पाउस नेम अगर आपको चेंज करना है तो क्या मतलब आपका डिवोर्स हुआ है या आपने जी मत जी, तो आपको डिवोर्स डीड उसमें डालनी पड़ेगी, उसमें जब जी आपका एप्लीकेशन आप प्रोसेस कराने के लिए हमारे पास आएंगे यहाँ पे, जी और अगर नया उसको किसी को मतलब नया स्पाउस नहीं, नेम, नया नया नहीं ऐड करना है, बस नेम डिलीट करना है। हाँ तो उसमें डिवोर्स का आपको देना पड़ेगा उसको ओके। जी। डिवोर्स नहीं, कोई दोबारा मैरिज करता है अगर किसी की पहली अगर अगर बाई स्पाउस चांस का उसमें एक ये भी हो सकता है किसी की स्पाउस की डेथ हो डेथ हो जाती गई। है, जी डेथ सर्टिफिकेट वो देता है उसमें, तो उसका नाम डिलीट हो जाता है फिर उसमें। अच्छा अगर उसको ऐड कराना है स्पाउस का नाम तो या तो डिवोर्स डीड लाएगा, जी डेथ सर्टिफिकेट देगा उसकी, या अगर दूसरा नाम है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट फिर वो देगा वहाँ पे। अगर इसे दो शादियां की हूं जी 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 तो पहली तो है ही है, तो अब दूसरी बीवी का भी उसमें इनकन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे पास तो अभी ऐसा केस आया नहीं है जिसमें दो आया बीवियों का मैं नहीं जी। इंक्लूड करूँ उसमें जी सर ये जो वीज़ा होता है, जी वीज़ा के असली मैं अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहूँगा कि ये तो एक एब्रिवेटेड फॉर्म है जी वीज़ा। इसका मतलब है कि विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, जी एक्चुअली यही है। ये वीज़ा पासपोर्ट पे कहाँ किस जगह पे लगता है? ये तो आप जाते हैं वहाँ पे, देखो वीजा से हमारा कोई मतलब नहीं होता आपका है नहीं होता। ना, ये हमारा काम होता है पासपोर्ट इशू करना, कंसर्न्ड एम्बेसी में जिस कंट्री में उसको जाना है वहाँ पे विजिट करते हैं तो वही वीजा लगाते हैं जी जी मतलब जब वहाँ वहाँ पहुँचता है तो वहाँ लगता है वीज़ा, जी 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 कितने दिनों का होगा? जी जी
सर एक कॉलर जुड़े हमारे साथ दिल्ली से। हेलो 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 हेलो, गुड जी इवनिंग। भट्ट साहब। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मंजूर साहब क्या हाल है? जी। हाँ, मैं लाइट नहीं है यहाँ, दिल्ली है, गर्मी है बहुत। अब मैं सुन लिया पासपोर्ट ऑफिसर साहब हैं, तो जी मैं ये कहना चाहता हूँ कितना टाइम लगता है, जो बेचारों को कई भी टाइम्स मंथ लगते हैं पासपोर्ट बनाने में, और कुछ आज का इंटरनेट सिस्टम है, आप दो दो चार दिन में बननी चाहे, गवर्नमेंट तो क्लेम कर रहा है, तो आई वॉन्ट दैट इट शुड बी वेरी क्विक एंड फास्ट, एनी प्रॉब्लम ना लोगों को ना हो जाए। थैंक भट्ट साहब सुन रहे हैं मेरी यू, बात हाँ थैंक यू वेरी मच। जी। भट्ट साहब देखिए, अभी मैं बोल रहा था कि पासपोर्ट हमारे यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है, कश्मीर में तत्काल का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। और दूसरा, हम जो पासपोर्ट इशू करते हैं यहाँ पे, जब तक हमारे पास सीआईडी से किसी भी एप्लीकेंट का क्लियरेंस नहीं आ जाता है, क्लियर रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक हम हाँ पासपोर्ट किसी का भी इशू नहीं करते हैं। अच्छा, आप इसको सीआईडी वेरिफिकेशन जी वो होती थी ना, वो हो रही है अभी सीआईडी हाँ, वेरिफिकेशन, वो या अभी उसका कुछ अभी भी हो रही है वो। आज? अच्छा अभी हो रहा है, कुछ बोल रहे थे ये नहीं हो रही है, अब डायरेक्ट पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता है नहीं नहीं उसके आप बगैर? आपको गलत बताया गया है किसी ने। अच्छा नहीं, गवर्नमेंट के ऐसे बोलते हैं नहीं इंटरनेट पर। हाँ ये ठीक बात है, सीआईडी वेरिफिकेशन इज वेरी मच, दैट शुड जी बी देयर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये वेरिफिकेशन मतलब दोनों केस में होती है, दोनों की नेचुरली पुलिस में। अच्छा, पुलिस वेरिफिकेशन सीआईडी की होती है अलग और पुलिस की अलग होती है। हाँ जी, दोनों जगह से मतलब सीआईडी से भी बंदा वेरीफाई करने के लिए पहुंचता है, सीआईडी से भी पहुंचता है एप्लीकेंट्स के पास। जनरली किस सिचुएशन में वो एडवर्स रिपोर्ट देते हैं, या कब आप पासपोर्ट नहीं दे सकते हैं, किस सिचुएशन में? देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम तो नॉर्मली जब पासपोर्ट इशू करते हैं, तब जब तक का उसका क्लियरेंस ना आ जाए सीआईडी से। अब सीआईडी नॉट रिकमेंडेड या नॉट क्लियर कब बताती है, या तो उसका कोई एफआईआर हो, या उसका कोई केस उसमें कोर्ट में चल रहा है, या एप्लीकेंट कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। और ये सारे केसेस होते हैं जिसमें हमें मतलब हम केस मतलब पासपोर्ट इशू नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस बताती है सीआईडी को, और सीआईडी फर्दर, सीआईडी के पास अपना एक रिकॉर्ड होता है, वो अपने हिसाब से फिर उसको देख लेते हैं देता है फिर आगे। जी। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं सर। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। जनाब, वैसे तो हमारा ये है कि ये जो पासपोर्ट रिन्यू करना होता है, ये कितनी देर पहले कर सकते हैं? 1 साल पहले कर सकते हैं ये रिन्यू? जी क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट है वो 6 जून में हमारा हो रहा है एक्सपायर, लेकिन हमें उम्रा के लिए जाना होता है जनवरी में, और उनको चाहिए था 6 महीने, जब वहां से जहां पहुंचे तो 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, लेकिन वो खत्म हो रही है हमारी। क्या हम 1 साल से पहले उसको अप्लाई कर सकते हैं रिन्यू के लिए? आपका सवाल मैंने सुना, लेकिन आपने अपना तारुफ नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं मैं पढ़ रहा था, आपका नाम गुलाम साहब बोल जी। रहे हैं, जी, गुलाम तो मुहिद्दीन। हाँ डेफिनेटली आप 1 साल पहले भी उनको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इसमें जी कोई सर जी, दिक्कत नहीं है। आपको री इशू कैटेगरी में ही अप्लाई करना है उसमें। लेकिन सर जब हम अप्लाई का करते हैं ना, तो वो दिखा रहा है कि 1 साल पहले नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं दिखाता है। अच्छा सर, हाँ, किसी फिर अच्छे सीएससी पे आप जाइए, या जगह जगह पे खिदमत सेंटर जो खुले हुए हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ जाके। ऐसा जी ऐसा सर। कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। सर रीइश्यू के लिए कब आदमी अप्लाई कर सकता है, जब उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए आखिरी डेट, या उससे पहले ही उससे इनिशिएट कर पहले भी सकता कर सकता है, उसके बाद में भी कर सकता है है? अच्छा, जी। उस ऐसा कोई ऐसा कोई प्रोविज ऐसा कुछ ऐसे वो नहीं, काफ़ी लोगों के जहन में ये बात है कि अगर पहले ही किया जाए तो शायद मेरी वेरिफिकेशन ना होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा वेरिफिकेशन होती है उसकी। और देखिए पुलिस के पास आपका जो भी है हर आदमी का रिकॉर्ड रहता है उसमें, जी। अगर आपका कोई एडवांस कुछ है नहीं तो पुलिस वाले अपने आप क्लियर देंगे। अब 6 साल 10 साल पहले आपका पासपोर्ट बना था, या किसी ने फ्रेश में भी अप्लाई किया है उसमें, तो आपको ये नहीं देखना है कि 1 साल मेरी वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, 10 साल के बाद ही हम करेंगे इसमें, तो
तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है, आप 1 साल पहले भी कर सकते हैं, 2 साल पहले भी कर सकते हैं। अब ये एक साहब बोल रहे थे कि उमरा के लिए उनको चाहिए 6 महीने की वैलिडिटी हाँ, होनी कम चाहिए से, कम से कम, कम। जी, कोई भी फॉरेन विजिट करने के लिए आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने तक होना चाहिए। ये जो हज वालों को आपने दिया पासपोर्ट, ये कितने देर के लिए आपने दिया? 1 साल के लिए देते हैं। 1 साल के लिए ये नॉर्मल इंटरनेशनल पासपोर्ट नहीं जिसमें वैलिडिटी तकरीबन 6 साल से? नहीं, नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें कोई ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि या किसी ने स्पेशल हज के लिए अप्लाई किया है, वो नॉर्मल जो एप्लीकेशन होती है ऐसे ही एप्लीकेंट अप्लाई करता है। लेकिन कई लोगों को क्या है कि इस मामले में मैंने हज में एक प्रोग्राम किया था, हज हाउस में, यहाँ जी 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 हज का ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे विजिट किया था, तो एक हमने अच्छा प्रोग्राम किया था वहाँ, तो उनको सबको बताया कि किस तरीके से आपको वो करना है, अप्लाई करना है हज ऑफिस जिसको वहाँ पे हज के लिए जाना है, तो आपको हज वाले जो हज डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करने करना है आपको। एक कॉलर जो है हमारे साथ, इसको थोड़ी देर में बात करेंगे। हेलो हेलो जी, हेलो, अपना अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बस नवाबाद से। जी, नाम क्या है? मंजूर। जी मंजूर साहब, फरमाइए, पूछिए सवाल। ऐसा है कि हमने 2 दफा हमें रिजेक्ट हो गया पासपोर्ट, वो किसी कारण के हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे टैक्सेस में कोई प्रॉब्लम थी, तो फिर उसकी जजमेंट भी आ गई, वो भी दी, 2 दफा फिर से वापस आ गया, क्या कह रही है उसका? आपका कोई केस चल रहा था? हाँ चल रहा था, वो क्लियर भी हो गया। अच्छा, 3 साल हो गए वो क्लियर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जजमेंट की उसकी कॉपी भी साथ दी। अच्छा, कब दिया है आपने कॉपी? नहीं आता है कॉपी जो आपने पासपोर्ट जजमेंट की दी है, ऑफिस में कब सबमिट कराया है आपने? तकरीबन 1 साल पहले। 1 साल पहले। एक काम करिए, या तो आप मुझे फाइल नंबर मुझे बताइए अपना जी, और या फिर आप विजिट मेरे से ऑफिस में आके मिल सकते हैं उस जजमेंट के साथ, मैं आपका रीवेरिफिकेशन करा दूंगा उसको दोबारा। ठीक है, कहाँ पे आना है मुझे सर? ये पासपोर्ट ऑफिस आना है यहाँ पे बुलेवर्ड रोड पे। आप कहाँ से बोल रहे हैं अभी? मैं डाउनटाउन से बोल रहा हूँ, नवाबाद। हाँ, तो आप इधर आ जाइए ऑफिस में किसी भी दिन यहाँ पे, और मेरे से मिल लीजिएगा यहाँ पे आके। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो कोई लाना नहीं है, खाली जजमेंट की कॉपी। जजमेंट की कॉपी लेके आना है, पूरा पासपोर्ट भी ले आना, जो पासपोर्ट हम देख लेंगे, या आपका आपने अप्लाई किया होगा, एप्लीकेशन नंबर हमें चाहिएगा उसमें। जी सर, ठीक है, आता हूँ। ठीक है सर, ठीक ठीक। सर ये जो आप फरमा रहे थे किसी का कोई केस वेस चलता हो तो उसमें जब तक डिसीजन ना हो तो तब तक पासपोर्ट इशू नहीं होता, जी जी, ये हज के लिए भी अप्लाई होता है अगर किसी को पिलग्रिमेज के लिए जाना हो? इसके लिए एप्लीकेंट को कोर्ट से NOC लेके आनी होती है, किसी का केस अगर चल रहा है ट्रायल में है उसमें जी, अब एप्लीकेंट की वहाँ पे हियरिंग के लिए जाना पड़ता है उसको, तो कई बार ऐसा होता है वो किस स्टेज में उसका केस है, कहाँ उसकी प्रेजेंस मतलब कंपलसरी है, तो कोर्ट ही NOC उसको इशू करती है उसमें कि वहाँ अपने काउंसिल के जरिए वो डालता है कि मुझे जाना है उमरा या हज के लिए मुझे जाना है, तो कोर्ट एक NOC उसके लिए इशू करता है, तो उसके बेस पे हम उसको देते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन का उसमें क्या आए? जब कोर्ट ने हमें डिसीजन दे दिया। अच्छा, तो फिर आप उसको उसका वेट नहीं करें? जी जी जी। सब ई पासपोर्ट्स की जो आप बात कर रहे थे कि ये कब से अंदाजा है आपको शुरू होने वाला? ये 5 फेसेस में अब शुरू हो रहा है, ये श्रीनगर का 5th फेज में यहाँ पे शुरू होगा, तो अभी 1-2 जगह पे शुरू हो गया है जी, तो टाइम थोड़ा टाइम में ये होने वाला है हमारे यहाँ पे भी। लद्दाख के लिए जो आप पासपोर्ट्स वगैरह इशू करते हैं तो वहाँ के लोगों को भी शायद मिलने आना पड़ता है? लद्दाख में हमारा लेह में हमारा ऑफिस है जी, वहीं पे अप्लाई करते हैं सर जो भी है। नहीं, वो जो उनको आप बाद में टाइम स्लॉट देते हैं जी, आने के उनको यहाँ आना पड़ता है? यहाँ नहीं आना पड़ता है। अच्छा, वहीं वहीं पे ही होता है। अच्छा, ये इसी तरीके से हमारा अनंतनाग में भी ऑफिस है, एक बारामूला में भी ऑफिस है, वो तो उस वो वहीं जाते इधर आने की जरूरत नहीं उनको जी। ये तो बड़ी अच्छी सुविधा है जी।
सर एड्रेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेप्ट करते हैं? एड्रेस के लिए हम आपका आधार कार्ड होगा, बिजली का बिल भी होता है और बैंक का पासबुक आप लेके आ सकते हैं। आधार तो है ही, आधार तो है ही, नॉर्मली सबके पास आधार होता है। आधार होगा जी, नहीं तो कई बार नहीं, कुछ और नहीं होता है तो बैंक का पासबुक होता है उसमें लिखा होता है एड्रेस, वो भी हम जी। इन सब में एक चाहिए, एक ही चाहिए जी, जो आपको चाहिए वो एड्रेस का डॉक्यूमेंट आपको दीजिए, वही एड्रेस आपको मिल जाएगा जी। एप्लीकेशन में भी नेचुरली वही एड्रेस उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो, हेलो सर जी। सर एक्चुअली मैं कश्मीर से हूँ, तो पोस्टेड हम लद्दाख से हैं सर जी। तो एक्चुअली हमने दो बार वहाँ पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था एंड ट्वाइस वी हैव सबमिटेड द एनओसी फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, लेकिन आज तक हमें सर कोई ये पता ही नहीं चला कि आखिर इशू कहाँ पे आ रहा है सर। आप अभी लद्दाख में हैं? जी सर, एक्चुअली हम लद्दाख में ही हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है वो नॉट रीचेबल जोन में है सर, तो मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में सर, तो जो वहाँ पे रिक्वेस्ट हमको डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो हमने सबमिट किए हैं वहाँ पे, जैसे कि आपके एनओसी चाहिए थे डायरेक्टरेट से वो हमने दो बार ही वहाँ पे सबमिट किए हैं, लेकिन सर पता ही नहीं चला कि इशू कहाँ पे आ रहा है सर। आप अपना फाइल नंबर बताइए, ये मैं आपको फाइल का स्टेटस देख के बता सकता हूँ। ठीक है सर, तो आपको ऑफिस में आना पड़ेगा सर? नहीं, आप मेल कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, और मेल एड्रेस हमारे उस पर दिया हुआ है जी सर, तो आप कभी भी मेल कर दीजिए और मैं आपको आपका स्टेटस बताऊंगा। उसमें फाइल नंबर आप जरूर देना उसमें, ठीक है, SG करके शुरू होता है फाइल नंबर। ठीक है सर, तो आप कहीं मेल डालिए, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ इस मामले में। तो सर क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वी हैव बीन फ्रीक्वेंटली विजिटिंग टू योर ऑफिस दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर ऑफिसर्स ओवर देयर सर। नहीं, ऐसा नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास मैंने तो मेरे पास कोई ऐसा कोई पेंडेंसी भी नहीं है कि किसी का मतलब उसमें पड़ा हो किसी भी पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी से। आप जब तक आप एप्लीकेशन नंबर नहीं बताएंगे तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, है ना। उसका स्टेटस देख के ही मैं आपको बताऊंगा कि आपके आपके पासपोर्ट इशू होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। ठीक ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने बोला कि दो बार हमने NOC दी है, तो NOC आपके एम्प्लायर से आनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है ना। कई बार जो उन्होंने वहाँ पे हमको बोला कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, हम तो अकॉर्डिंगली वही कर रहे हैं सर। नहीं, आप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको NOC सबमिट करना है, अब NOC की इशू करने का कौन आपका ऑथराइज है वहाँ पे। कई बार यही इशू होता है कि टीचर, कोई टीचर है मान लो, और टीचर का प्रिंसिपल NOC दे रहा है, तो वो NOC ऑथराइज नहीं होती है, वैलिड नहीं होती है वो। Definitely sir, I am getting your point, but we have received the NOC from our directorate sir. ठीक है, आपका NOC ठीक हो सकता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक आप एप्लीकेशन नंबर बताइए मुझे और अपना नंबर बताइए, मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, मैं नोट कर लेता हूँ और आपको बताइए, नंबर बताइए आप अपना फाइल का नंबर। सर SG20 SG20 679 70 65 1623 क्या नाम है सर? फिरदौस अहमद। फिरदौस अहमद, फिरदौस सर। अच्छा ठीक है, यस सर। आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बताइए। उन्हीं का सर। हाँ, उन्हीं का बता दीजिए। ठीक है सर, मैं फोन पे आपको अपडेट करूंगा इसको। सर 8899 8899 419 729 सर 729 यस सर, यस सर। ठीक है, मैं आपको कल आपको इसका जो अपडेटेड वो है स्टेटस बताता हूँ, और इसे किस वजह से यहाँ पे अभी तक पेंडिंग पड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा फिर। ठीक है सर, सो नाइस ऑफ यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ये NOC जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देनी पड़ती है,
उनके दफ्तर में किसको अथॉरिटी है ये देने ये एक्चुअली ये बेसिकली जो एम्प्लॉयर है जो जैसे देखिए एक 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 और एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना डायरेक्टरेट भी होता है हाँ, या सेक्रेटरीएट में भी के लेवल पर भी जी, होता जी, है जी, तो हु इश्यूज द एम्प्लॉयर ऑफ द पर्सन। अच्छा जैसे कोई क्लरिकल स्टाफ में है जी तो वहाँ का अंडर सेक्रेटरी ऑथराइज होता है वहाँ पे वो देने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब कहीं पे कुछ ग्रुप बी गजेटेड है तो वहाँ पे डायरेक्टर उनको इम्प्लाई करता है वो ऑथराइज होता है वहाँ जी पे। जी तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट आपका इम्प्लायर कौन है इम्प्लायर कैपेसिटी में कौन है वहाँ पे तो उस जो इम्प्लायर होता है वही NOC इश्यू करता है। जी 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 जैसे स्कूल के टीचर का वो प्रिंसिपल NOC नहीं दे सकता है अच्छा उनका चीफ एजुकेशन ऑफिसर वो देता है यहाँ पे। जी सर ये जो री इशू ऑफ पासपोर्ट है इसमें वेरिफिकेशन दोबारा क्यों होती है? काफ़ी लोग समझते हैं कि मैं तो पासपोर्ट होल्डर हूँ अब मुझे री इशू करना है तो हमें क्या पता है 10 साल में उसने क्या किया है मैटर बार बार हम लोगों को बताते हैं कि सब कुछ हमारा हो रखा है सारे हमने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है अच्छा तो मैं एक ही चीज हमें नहीं पता है कि 10 साल तक उन्होंने क्या किया। दूसरा कहते हैं कि जब मैंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हुए हैं दिए हुए हैं तो फिर दोबारा क्यों मांगते हैं। देखिए हमें खुद अपने लेवल पे मुझे अपने लेवल पे कंफर्म करना है उसमें लिखा भी होता है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप रीइशू के केस में भी लेके आने और उसका पर्पज़ यही होता है कि हमें नहीं पता है उस लास्ट टाइम पे इतना अच्छे हमारे इक्विपमेंट नहीं थे क्या पता कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे स्कैन नहीं हुआ है तो वो सारा इसलिए रीइशू की कैटेगरी में भी हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं वहाँ। जी जी सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम मुनसिफ वालेकुम सलाम मुनसिफ बशुस गुलाम जिलानी पर बात करते सर तारफ दी वस पन गुलाम जिलानी इस पर बात करते जी गुलाम जिलानी सर मैं जो साहब सुन रहे कि मैं गयो पासपोर्ट काटने ताकि उर्दू उर्दू में बात करें तो इनको आसानी होगी समझने में। हां मैं गया था पासपोर्ट निकालने वहां पर उन्होंने बोला कि आपको यह आधार कार्ड सही नहीं है। फिर मैंने नया आधार कार्ड निकाला अब मुझे गया था उधर और मुझे बताया अब मेरे मुझे वही आधार कार्ड नया वाला लेना और कोई कुछ सर्टिफिकेट कि मैंने मिडिल तक पढ़ा है मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं मुझे कोई सर्टिफिकेट मत लेना या स्टेट सर्टिफिकेट मत लेना कुछ मत लेना मुझे क्या लेना है वहां पर साहब। नहीं आपका प्रोसेस हो गया है एप्लीकेशन मैं गया था वहां पर प्रोसेस गया था मगर उन्होंने बोला था ये आधार कार्ड सही नहीं है अब मैंने नया आधार कार्ड निकाला जी अब क्या प्रॉब्लम है आप बोला उन्हें आपको और लाना है कुछ फॉर्मेटिंग करना है और आधार कार्ड के बगैर मैंने क्या फॉर्मेटिंग किया मैंने उन्हें बोला मगर उन्हें बोला कुछ करना है सर्टिफिकेट लाना है वो लाना है मैं कहाँ से लाऊंगा सर्टिफिकेट। नहीं सर जो भी देखिए आपको पासपोर्ट अगर नया मेरे को बच्चे को भी है दोनों बेटियों को भी है मेरे को मेरी वाइफ को भी है पासपोर्ट मेरे दोनों बच्चे को भी है मेरे को भी है नहीं पासपोर्ट सिर्फ नहीं आपको अगर सर्टिफिकेट मांगते हैं तो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है क्या? मैंने 74 में पढ़ना छोड़ा है सर मेरी एज इस वक्त 61। नहीं वो जिस क्लास में भी आपने छोड़ा कुछ तो होगा ना प्रूफ? हाँ वो तो वो स्कूल में ही होगा हिंदू हाई स्कूल था बरबेशा में उधर ही होगा वो। नहीं देखिए हम आपको पासपोर्ट देंगे लेकिन कुछ जैसे आपका पुराना पासपोर्ट है ना पुराने पासपोर्ट में जो पर्टिकुलर्स आपने दिए हैं जब पासपोर्ट आपने बना आपका बना होगा पासपोर्ट तब भी आपने कुछ डॉक्यूमेंट दिए होंगे उस टाइम पे। पासपोर्ट नहीं बनाया आज तक मैंने नहीं बनाया पासपोर्ट। अच्छा फ्रेश ही आपने अप्लाई करना है? नहीं नहीं फ्रेश सिर्फ वाइफ को है मेरे को पासपोर्ट दोनों को है बेटे दोनों को पासपोर्ट है मेरे को नहीं है। हाँ कोई बात नहीं तो ऐसा इसमें कोई वो नहीं है आप अप्लाई कीजिए और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से मुझे लगता है आप को थोड़ा सा आप क्लियरेंस नहीं है कि आपको मतलब क्या करना है वहाँ पे मेरे से ऑफिस में आके मिल लीजिए किसी भी दिन आके बुलवार पे हाँ बुलवार पे आके और हमारा ऑफिस है आप नीचे आएंगे सिक्योरिटी पे वहाँ से बोलना कि मुझे RPO साहब से मिलना है। ओके सर थैंक यू ठीक है ना मैं आपको जो भी आपके दिक्कत होगी मैं उसको क्लियर करूंगा ठीक है। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू ओके क्या नाम है आपका? लाइन ड्रॉप हो गई जी गुलाम जिलानी गुलाम जिलानी
मैं नोट करके रखता हूँ, नोट करके रखिए। हाँ मैं बोल के रखूँगा कभी आएगा तो जी एप्लीकेंट, क्योंकि ये आएंगे तो फ़ोन पे तो आपको पता चल जाएगा, ये प्रोग्राम का हवाला देंगे हाँ। कि वहाँ आपसे बात हुई थी सर। लोगों के पासपोर्ट में कभी छोटी मोटी करेक्शन वो चाहते हैं हो जी, जैसे किसी की कोई ये कास्ट की कोई या स्पेल मिस्टेक हो, किसी ने अहमद लिखा है AHMAD, अब उसकी सर्टिफिकेट में ED है, वो करना चाहते, इसके लिए क्या फॉर्मेलिटी है? देखिए कोई भी नॉर्मल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप डॉक्यूमेंट रेजिडेंस चेंज किसी ने की, रेजिडेंस पहले आपको ये बता देता हूँ, अगर नाम में कोई स्पेलिंग में अलग कोई मिस्टेक है, एज पर एप्लीकेशन जैसे वो एप्लीकेशन फिल करता है, कई बार एप्लीकेंट ही गलत फिल करता है एप्लीकेशन, तो नॉर्मली वही पासपोर्ट पे वो हो जाता है। दूसरा हमें देखना है उसने जो हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो उसका मैट्रिक सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है या आधार है, वहाँ अगर आपको ये जी मिसमैच लगा नाम का हाँ स्वेलिंग वगैरह जी जी, तो उसको जो वो चाहता है उसको वो कंसर्न डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा जैसे आपका नाम अहमद में AHMED आ गया करेक्ट, और आप AHMAD लिखना है तो आप दिखाइए ना कहाँ पे, क्योंकि इसी ये छोटी सी गलती है, मैं नॉर्मली कर देता हूँ लोगों को, लेकिन लोगों को डॉक्यूमेंट लेके आना है उसके लिए कि आपका अहमद से अहमद के नाम से, आप दिखाइए कहाँ पे है आपका। अच्छा या आपने एप्लीकेशन में ही यही लिखा है और डॉक्यूमेंट में भी आपका यही है और आप डिफरेंट उसको चेंज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर नेम चेंज फॉर्मेलिटी होती है फिर उसको। अच्छा जी नॉर्मली आप कौन सा नाम लेते हैं जो सर्टिफिकेट में होगा, जो सर्टिफिकेट वही स्पेलिंग आप लेते हैं, वही स्पेलिंग चाहे उसका एप्लीकेशन में अपनी उस वक्त गलत। जी जी एक कॉलर जुड़े हमारे साथ सर, हेलो 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 जी हेलो, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा कहाँ से? सर मैं निसार हुसैन कारगिल से बोल रहा हूँ। जी निसार साहब पूछिए सवाल। सर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था जी, कारगिल से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सर मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जी, तो यहाँ से भी हमारा वो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ पहुँचा है 7 तारीख को, 7/5/2020 को। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कारगिल। मुझे पासपोर्ट इशू नहीं हुआ था, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है वहाँ से, इसको डिस्टेज का वहाँ से दोबारा पूछ। आप दोबारा एक बार बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। हेलो निसार साहब हाँ, आप दोबारा सवाल पूछिए सर को, क्लियर नहीं हुआ आपकी बात, आप क्या चाहते हैं? सर पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था ठीक, तो वेरिफिकेशन के लिए भी आया था यहाँ पर, वेरिफिकेशन भी वहाँ सबमिट हुआ है पुलिस की तरफ से, CID की तरफ से 7/5/2024 को यहाँ से वेरिफिकेशन सबमिट हो गया है ठीक, मगर अभी तक इशू नहीं हुआ मुझे पासपोर्ट, अभी तक मुझे इंटीमेशन नहीं है। अच्छा अच्छा आप अपना एप्लीकेशन नंबर बताइए मुझे, आपके पास है एप्लीकेशन नंबर इस वक्त? एप्लीकेशन नंबर बताइए मुझे। SG1079 SG1079 134 134 134 हाँ 65 65 65 हाँ 6824 6824 यस SG1079 हेलो निसार साहब यस हेलो 134 1079 134 यस सर 6568 24 8 24 यस ठीक है। मैं आपका फोन नंबर क्या है? 6824 आपका फोन नंबर बताइए। 9/4/191 9/4/191 9/4/191 7/6/240 7/6/240 7/6 ठीक है, मैं कल आपको अपडेट करूंगा आपका क्यों नहीं आपके पास पहुंचा है पासपोर्ट ठीक है। यस सर ओके शुक्रिया जी। ये जो ECNR है जी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड,
कौन सा शख्स इसके लिए क्वालिफाई करता है? देखिए, ECANR के लिए नॉर्मली मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक पास आदमी को होना चाहिए। अगर इसके बगैर हम नहीं देते हैं ECANR, और इसके अलावा अगर 50 से अबव हो जाता है, 50 से अबव, उसको हम ECANR कैटेगरी में रखते हैं। बच्चे को भी हम ECANR कैटेगरी में रखते हैं। ECANR के बेनिफिट्स आप हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ, ECANR के बेनिफिट्स ये हैं, देखिए, जहाँ जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, अगर एयरपोर्ट पे जो होता है, आप कभी भी किसी भी कंट्री के लिए विजिट करेंगे तो आपको फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होता है जी। तो नॉर्मल अगर आपका ECR है तो आपको इमिग्रेशन से कोई मतलब नहीं होता। उसमें क्या दिक्कत है, मतलब एक स्टेप फालतू हो जाता है उसका, और दूसरा एप्लीकेंट जाएगा भी वहाँ पे, अब जैसे छोटे बच्चे हैं हमारे, 18-20 साल के बच्चे हैं, ECR में जाते हैं तो उनको उसको लेबर वाली नौकरी मिलती है फिर उनको, तो वो ऑफिशियल जो उसमें वो नहीं कर सकते हैं अगर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली ECR में लेबर क्लास ही। जी 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 जी, जी। मतलब आदमी जो बिलो मैट्रिक जो होंगे जी जी वो उसी में जाएंगे। जी जी, नहीं, ये जो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड है, तो ये इन लोगों का कोई बेनिफिट है एयरपोर्ट पे कि दे आर सेंट विदाउट चेकिंग? उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का क्लियरेंस नहीं चाहिए डिपार्टमेंट का। अच्छा, वो डायरेक्ट हम जाते हैं ना, जैसे हम कहीं भी हम फॉरेन विजिट करेंगे तो हम इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होती फिर। सर, ये जो शादी वगैरह लोग करते हैं उसके बाद एड्रेस चेंज की जरूरत पड़ती है, स्पेशली इन केस ऑफ गर्ल्स, शादी की कास्ट भी कभी कभी सरनेम चेंज होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है? क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट उनको देना होता है पहले तो। जी, ऑलरेडी उनके पास पासपोर्ट है तो चेंज करना है ना, वो चेंज करना है तो आप उसमें अप्लाई करेंगे चेंज के लिए, उसमें रेजिडेंशियल एड्रेस भी अब चेंज होगा। जी, उसमें रेजिडेंशियल एड्रेस भी चेंज होगा, और उसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना है। मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज से इशू होना चाहिए। नॉर्मली लोग यहाँ पे निकाह नामा लाते हैं, वो वैलिड नहीं है। अच्छा। पहले वही लेते थे लोग, कहते थे हमारे यहाँ होता नहीं है, लेकिन मैंने फिर इसको शुरू कराया अभी पिछले एक साल से, लोग मैरिज सर्टिफिकेट लाते हैं यहाँ पे। मतलब वो कोर्ट बोर्ड में जाकर उनको शायद अपना निकाह नामा रजिस्टर करना पड़ता होगा। नहीं, रजिस्ट्रार मैरिज रजिस्ट्रार बैठते हैं ना DC ऑफिस में यहाँ पे। अच्छा, मतलब दोनों स्पाउस दोनों में अभी जी, 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 जाना पड़ता है। हाँ हाँ, कि रजिस्ट्रार साहब हमने शादी कर ली है। जी जी जी। अच्छा, वो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट है, उसके बगैर नहीं होगा? नहीं नहीं, उसके बगैर नहीं होता है। एड्रेस चेंज तो हम कर सकते हैं जी, बट जब स्पाउस नेम आप लिखेंगे वहाँ पे तो वहाँ बताना पड़ेगा ना आपको क्या है स्पाउस का नाम। जी, देवेंद्र कुमार साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और पासपोर्ट के बारे में अच्छी बातें हुई। कुछ लोगों को कुछ शिकायत थी या कुछ सुझाव चाहिए थे, उनको आपने उनको वो सारे मशवरे दे दिए, कुछ नोट भी आपने कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सर। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।